मिस्टर शुएब 2 माह पहले मेरी ओपीडी में आए और उन्होंने मुझसे अपने कुछ निजी मामला डिस्कशन किए, जिसमें उन्होंने अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताया कि वो अपनी इरेक्शन को मेंटेन नहीं रख पा रहे और उसके साथ साथ उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का इशू भी फेस करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शुएब, आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन और मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम था कुछ सालों से। तो अंडर केयरफुल स्क्रूटनी मैंने उनके कुछ टेस्ट किए, कुछ लैब्स की और अल्ट्रासाउंड करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि उनको एंडोवैस्कुलर यानी कि शरियानों के साथ प्रॉब्लम है। कि ट्रीटमेंट के लिए मैंने उनको रेकमेंड किया कि वो स्टेम सेल्स ऑप्शन के ऊपर गौर करें, जो कि एक सेफ नहायत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट उनका 3 हफ्ते तक चला और उसके बाद उनके जो भी रिव्यूज हैं वो आगे आने वाली वीडियो में उनसे खुद मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शुएब, आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन और मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम था कुछ सालों से, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट डैट के हु इज़ द रेलिवेंट पर्सन कि मैं उसके साथ ये प्रॉब्लम शेयर करूँ, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वो मेक ऑफ फन अबाउट इट, तो आप फिर वो कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। तो सडनली आई गॉट टू नो अबाउट द हैश क्लिनिक। तो जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया और मुझे बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इवन मैं भी सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हैश क्लिनिक में आइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए, ज़रूर आपको इसके अच्छे नतज मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले। थैंक यू।